तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धकल रूप में। और आज मैं साउथ की धमाकेदार मूवी लेके आया हूँ, जिस मूवी का नाम है श्याम सिंह रॉय। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा, हिस्ट्री और क्लासिक। और इस मूवी को IMDb पे 8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 95% के स्कोर दिए। भाई रेटिंग से समझ सकते हो मूवी कितनी ऑसम होने वाली है। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है, राहुल सेन कृति ने। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल जाएंगे, जैसे साई पल्लवी, नानी, जीशु सेन गुप्ता, मुरली शर्मा और कीर्ति शेट्टी। और यह मूवी भाई एक धमाकेदार सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। और भाई इस मूवी की स्टोरी भाई एकदम यूनिक है, और इस मूवी की भाई जितनी तारीफ की जाना भाई उतनी कम है। इस मूवी ने भाई रेस में ना भाई सब मूवी को पीछे छोड़ दिया, और इस मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक है। और ये मूवी भाई आपको एक अलग ही सफर पे लेके जाएगी, और जब भाई इस मूवी को एक बार देखने के लिए बैठोगे ना, तो भाई पूरी मूवी करके उठोगे। और भाई इस मूवी में आप इतना खो जाओगे ना, ये मूवी भाई शुरू कब होती है और खत्म कब होती है आपको यही पता नहीं चलेगा। और ये पूरी मूवी ना भाई 2.5 घंटे के आसपास की होने वाली है। और मूवी में भाई जो नानी का कैरेक्टर ना भाई, उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरली। और इस मूवी में ना भाई आप स्टोरी से इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, और ये मूवी ना भाई आपको कहीं ना कहीं रुलाने वाली है। और मूवी की स्टोरी से ना आपको कनेक्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इस मूवी की एडिटिंग भाई, इस मूवी की एडिटिंग ना भाई इस मूवी को एकदम निखार सी देती है। और अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें ना, और मूवी में भाई आपको नानी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो अपने ड्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए ना भाई अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब छोड़ देता है। और नानी का कैरेक्टर ना एक शॉर्ट मूवी बनाना चाहता है, और इसके लिए ना वो अपने दोस्त के कैफे में ना कुछ लड़कियों का ना ऑडिशन लेता है, लेकिन उस कैरेक्टर में ना कोई भी लड़की जमती नहीं है। लेकिन जब उसका दोस्त नानी के साथ बैठा होता है ना, तो उसे वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जो उस शॉर्ट मूवी के कैरेक्टर के लिए ना एकदम परफेक्ट होती है। और जब वो उससे बात करते है ना, तो वो कैसे साफ डिनाई करती है, और वो कैसे उसको ब्लैकमेल करते हैं, उस शॉर्ट मूवी के लिए ना कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और जब नानी का कैरेक्टर शॉर्ट मूवी पूरी बना देता है ना, तो एक प्रोड्यूसर को दिखाता है, और वो बोलता है कि तुम इसके ऊपर ना एक स्टोरी भी तैयार करो, और उसके बाद ना मैं तुम्हारी मूवी में पैसा लगाऊंगा। और कैरेक्टर ना 2 दिन से मेहनत कर रहा होता है उस स्टोरी पे, और जब वो स्टोरी उस प्रोड्यूसर को दिखाता है ना, तो वो बोलता है कि अब तुम मूवी का काम स्टार्ट कर सकते हो, मैं उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। और जब नानी की पहली मूवी बनके तैयार होती है ना, और हॉल में लगती है, और लोग मूवी देख के बाहर आते हैं ना, तो नानी का कैरेक्टर ना उनसे रिव्यू पूछता है, तो वो बोलते हैं कि भाई मूवी बहुत ही बढ़िया है। और मूवी हिट हो जाने के बाद ना नानी के ऊपर ना कुछ लोग केस करते हैं, और वो केस किस बात के लिए, उसकी मूवी से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी में ना आपको भाई नानी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो एक राइटर है, और वो कैसे ना कुछ दासियों को मंदिरों से मुक्त कराता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी को देखने के बाद ना भाई इस मूवी में 2 स्टोरियां देखने को मिलेगी, और दोनों स्टोरियों में से भाई आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि कौन सी स्टोरी बढ़िया है। इस मूवी का भाई बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है, और अगर इस मूवी के डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, क्लाइमेक्स की बात करें ना, तो सब एकदम दमदार है। स्टोरी ना भाई आपको हिला के रख देगी, और इस मूवी को देखने के बाद भाई आप भी बोलोगे गजब। और अगर इस मूवी के बैसिंग की बात करें ना, तो इस मूवी में एक सीन आता है जब नानी का कैरेक्टर ना एक जगह शूटिंग कर रहा होता है, और उसकी फ्रेंड को ना कोई छेड़ रहा होता है, तो भाई वो कैसे ट्राईपोर्ट को एकदम सेट करता है, और भाई सब बंदों को मारता है। भाई वो वाला सीन मुझे इस मूवी का बैड सीन है। और जब वो होश में आता है ना, तो बोलता है कि मेरा ट्राईपोर्ट टूट गया, ये 25,000 का था पता है। और उसके बाद भाई पैसों की बहुत किल्लत होती है, और वो कैसे ना कैसे भाई पैसे बचाता है। उनका मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, जब एक पर्सन बोलता है ना कि आपके लिए बंदूक, तो नानी का कैरेक्टर बोलता है कि तुम एक गोली से ना एक आदमी मार सकते हो, लेकिन मैं एक पेन से ना लोग के तख्ते पलट सकता हूँ। भाई वो अलग मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा, और एकदम परफेक्ट डायलॉग। और मूवी भाई एक इंटरटेनिंग मूवी होने वाली, और ये मूवी भाई आपको कहीं पे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और एक बार तो भाई इस मूवी को जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। और अगर ये मूवी आपने देखी है ना, तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस मूवी के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा ना, इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। अगर ये मूवी आप देखना चाहते हो ना, तो इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।